कहने को तो ये एक मामूली पेंसिल है, लेकिन जब ये किसी के इमेजिनेशन में रंग भर देती है तब इसकी वैल्यू समझ आती है। हमने सैकड़ों स्केच आर्टिस्ट बेशक देखे हैं, लेकिन स्केचिंग के अलावा क्या पेंसिल से कोई और आर्ट वर्क बनाना मुमकिन है? अरे बिल्कुल मुमकिन है। मैं आपको मिलवाने वाला हूँ हैदराबाद के एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने पेंसिल से कला नहीं बल्कि पेंसिल को ही अपनी कला बना दिया है। OMG! मिलिए हैदराबाद के धीरज कोल्ला से, जो पेशे से तो इवेंट मैनेजर है लेकिन पैशन से मिनिएचर आर्टिस्ट, वो भी आज से नहीं बचपन से। I started carving miniature artwork when I was in a 5th and 6th standard, and these were when I thought of gifting something to my class friend. So I wrote his name on a chalk piece, and then that was where it started. वाह बेटा, यानी जब बच्चे पेंसिल से किताब के पन्ने भर रहे थे तब आप उस उम्र में कुछ OMG करने निकल पड़े। घर पे मम्मी ने तो डेफिनेटली डांट लगाई होगी। My mom used to scold me like, you're working on this miniature artwork and you're neglecting your studies and having few backlogs. After getting my first media article in my local newspaper, that's where my entire journey tilted, and that's where the moment all my neighbors and my family started supporting me and all those things. धीरज ने आर्ट वर्क की शुरुआत भले ही मस्ती के लिए की हो, लेकिन अपना पोटेंशियल रियलाइज करने के बाद उन्होंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क बनाना शुरू किया। अब वो पेंसिल पे अक्षर बनाने के साथ साथ कई फेसेस और मॉन्यूमेंट्स भी बनाने लगे हैं। OMG! वैसे इतना बारीक काम पेंसिल पे करना बहुत चैलेंजिंग होगा, है ना? क्योंकि उनकी पेंसिल की लेड 0.5 mm से 1.2 सेंटीमीटर तक की होती है, यानी जरा सी गलती और लेड टूटने का खतरा। The pencil miniature artwork is too difficult and too brittle. Sometimes it takes around 1-2 hours to 15-16 hours, and sometimes like 2-3 days for a single artwork. We need a lot of precision, like even a minute mm of stroke got wrong, so entire the artwork will get into dustbin and again I have to start. सच कहते हैं, बिना धीरज और धैर्य के कोई कलाकार नहीं बनता, और इनका तो नाम ही धीरज है। क्या बात है धीरज जी। धीरज को अपने यूनिक आर्ट के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन उनका मकसद अवार्ड्स पाना नहीं, मिनिएचर आर्ट को लेकर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि भारत में इस कला को एक नई दिशा मिल सके। धीरज ने इस पेंसिल पर सबसे पहला अक्षर तराशा था ए, और आज वो इंडिया में मिनिएचर आर्ट की ABC लिख रहे हैं। अब ऐसे कलाकार को हम OMG ना कहें तो क्या कहें? OMG, ये मेरा इंडिया।